ये जो रेसिपी आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, लेयरी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नज़र आ रही है, ये है बीफ पफ पेस्ट्री पाई। और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ फ़ौरन बन के तैयार हो जाएगा, तो आए चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने एक डो ले लिया था सिंपल, इसे नमक डाल के मैंने गून लिया है। गूनने के बाद इसे जो है वो पार्ट करके मैं रख लूँगी 1 से 1.5 घंटे के लिए ऑयल लगा के, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल में लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, कीमा डाला है मैंने बीफ का, उसके बाद यहाँ पर सारे स्पाइसेस हम शामिल कर लेंगे, धनिया, जीरा, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्चें और चॉप हुआ धनिया और प्याज, अच्छी तरीके से हमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर डो रखे हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, अच्छी तरीके से इसे फैला लें, आप बेल लें, और बेलने के बाद आपने जो कीमा बनाया था उसके बाद इसे रख लीजिए। अच्छी तरीके से इसे फोल्ड करना है, फोल्ड करते हुए ध्यान रखिएगा कि आपकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटी ना हो रोटी की, बहुत ही बारीक लेयर के साथ इसे अच्छी तरह लपेट लें। उसके बाद यहाँ पर ये पाई की, इसे एक पाई के जो है वो शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद इसे आपने फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे 1 से 1.5 घंटा फ्राई करें, और ये लीजिए बनकर।